मूवी की स्टार्टिंग घोड़ों के साथ होती है जो कि ठंडी जगह से गुजर रहे थे। वे वहाँ पर आने वाली आवाजों से डर जाते हैं। वहाँ पर हम भेड़ों को देखते हैं जो बाहर ध्यान से देख रही थी। इसके बाद हम एक किसान को देखते हैं जिसका नाम इगवार था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम मारिया था, जो कि ट्रैक्टर के साथ जुताई कर रही थी। दरअसल मारिया कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। वे सभी कुत्ते, बिल्ली और भेड़ों के झुंड के साथ एक खूबसूरत जगह पर रहते थे। तबेले की साफ सफाई करने के बाद इगवार अपने कुत्ते के साथ घर लौटता है। कपड़े बदलकर वह खाने की तैयारी करने लगता है। बाद में इगवार अपनी पत्नी के साथ वेले में जाता है और गर्भवती भेड़ की मदद करता है। जो भेड़े बूढ़ी हो जाती है वे उनके कानों पर टैग लगाते हैं। एक दिन एक भेड़ काफी अजीब से बच्चे को जन्म देती है जिसका सिर भेड़ जैसा लेकिन हाथ और पैर इंसान की तरह होता है। वे सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वे सब उसे अपने साथ घर ले आते हैं। अब मारिया मेमने की देखभाल करने लगती है। मारिया उसे अपने बेटे के रूप में पालने लगती है। उन दोनों ने बच्चे का नाम ऐडा रखा। एक दिन मारिया और इगवार को पता चलता है कि ऐडा की माँ तबेले से गायब है। वो सभी उसे काफी ढूंढते हैं पर वो एक खिड़की के सामने खड़ जाती है। सभी उसे वापिस ले आते हैं। अब वे हद से ज्यादा बच्चे की देखभाल करने लगते हैं। वे उसके साथ टीवी देखते हैं और मेमने को लोरी सुनाते हैं। मारिया इगवार को देखभाल करने के लिए कहती है। एडा सोफे पर सो जाता है और इगवार अकेला खेत में काम करने के लिए चला जाता है। इसी बीच जाते जाते वह दरवाजा बंद करना भूल जाता है। एडा की माँ बाहर निकल आती है और खिड़की के बाहर अपनी बेटी के लिए रोती है। जब मारिया और इगवार घर लौटते हैं तो देखते हैं कि एडा वहाँ से गायब है। वे घबरा जाते हैं। वे उसे ढूंढने लगते हैं। वे सब उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल आते हैं। वे दोनों एडा को अलग अलग जाकर ढूंढते हैं लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर बाद उन्हें अचानक से आइडा की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम आइडा को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ धुंध में खड़ा था। मारिया भागकर वहाँ जाती है और उसे गले लगा लेती है। इगवार उसके चारों ओर अपना गर्म कोट लपेटता है। जब वो एडा को वापस घर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसकी माँ उनका पीछा करती है जिससे मारिया उस पर चिल्लाती है। एडा अपने दोनों पैरों पर चलने लगती है। मारिया बिना डरे उसे मैदान में ले जाने लगती है। दूसरी तरफ इगवार के भाई पीटर का अपहरण हो जाता है। जिससे उसने पैसे लिए थे वे उसका सामान छीन लेते हैं। बाद में उसे कुछ दूर जाकर छोड़ देते हैं। उस शाम मारिया को बार बार बुरे सपने आते हैं। वह देखती है कि भेड़े उसे तबेले में घेर रही हैं। अब वह चिल्लाकर सपने से बाहर निकलती है। बाहर निकलकर वह भेड़ के पास जाती है और सीधे उसे गोली मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसे दफनाकर मारिया घर वापस आ जाती है। अब इगवार का भाई पीटर भी वहाँ पर आ जाता है जिससे यह सारी घटना को देखता है। जब वे सभी सुबह खाना खा रहे होते हैं तभी मारिया एडा को बुलाती है। जब पीटर भेड़ को पैरों पर चलते देखता है तो वह दंग रह जाता है। मारिया पीटर को एडा से मिलवाती है जो हैरान हो जाता है। अब पीटर के दिमाग में कई बातें चलती है लेकिन वह चुप रहता है। बाद में मारिया और एडा दोनों एक साथ नहाते हैं। पीटर इगवार की पेंट करने में मदद करता है। जब पीटर मारिया को एडा के साथ खेलते हुए सुनता है तो वह अंदर आता है तो वह उन दोनों को बाथटब में नहाता हुआ देखता है। इगवार जब पीटर को गायब पाता है तो वह उसकी तलाश में अंदर चला जाता है। आखिर में पीटर ने इगवार से मेमने के बारे में पूछा कि वह क्या चीज है तो वह कुछ नहीं बोला। पीटर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है पर इगवार उसे कहता है कि तुम अपने तक ही मतलब। अगले दिन पीटर मारिया और इगवार की मदद करता है। मैदान में जब एडा कुत्ते के साथ खेलती है तो पीटर मारिया को छेड़ता है पर मारिया उसे ऐसा ना करने को कहती है। पीटर जवाब देता है कि बचकानी हरकत तुम सब कर रहे हो क्योंकि तुम एक जानवर के साथ घर में खेलते। बाद में शेड की सफाई करते समय पीटर को अपना ड्रम सेट मिलता है। वह ड्रम बजाने लगता है तभी एडा वहाँ पर आ जाता है। पीटर खुद घास खाता है और एडा को भी खिलाता है। यह देखकर इगवार को गुस्सा आता है और पीटर को बुरा भला कहता है। पीटर अपने भाई से कहता है कि यह बच्चा नहीं बल्कि एक जानवर है लेकिन इगवार कुछ भी सुनना नहीं चाहता। फिर एडा के साथ वह बाहर चला जाता है। अब पीटर दोनों से परेशान हो जाता है। एक दिन जब दोनों सो रहे होते हैं तो पीटर एडा को सुबह अपने साथ ले जाता है। वह एडा पर राइफल तानता है लेकिन उसकी प्यारी आंखें देखकर वह उसे नहीं मार पाता। जब मारिया जागती है तो एडा अपने बिस्तर से गायब होता है। वह परेशान हो जाती है। वह उसको ढूंढती है तो वह देखती है कि मेमना पीटर की गोद में शांति से सो रहा है। अगले दिन मारिया उसके साथ बाहर चली जाती है। एडा की माँ की कब्र को दिखाती है जिसका नाम बबीलम था। अब पीटर एडा का चाचा बन जाता है। वह एडा को अपने साथ ट्रैक्टर पर मछली पकड़ने ले जाता है। जब मारिया और इगवार को पता चलता है कि पीटर एडा को पसंद करने लग गया है तो वे खुश हो जाते हैं कि आखिर में उन्हें अपने लिए कुछ समय मिल गया है। बाद में पीटर और एडा शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं। लौटते समय मारिया का ट्रैक्टर खराब हो जाता है इसलिए पीटर ट्रैक्टर छोड़कर एडा के साथ घर पर आ जाता है। वे सभी मैच को देखते हैं पर उनकी टीम हार जाती है। इससे सभी का मूड खराब हो जाता है। मारिया पीटर का एक पुराना वीडियो चलाती है जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद वे तीनों डांस करते हैं। कुत्ते की आवाजें सुनकर एडा बाहर आ जाता है। कुत्ता उसका पीछा करता है पर एडा डरकर भाग जाता है। वह खुद को शीशे में देखता है। इगवार ज्यादा नाचने से थक जाता है जिसके बाद में पीटर और मारिया इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में पीटर को पता चलता है कि मारिया ने उसे एडा की हत्या करते हुए देख लिया था तो मारिया उसे ब्लैकमेल करने लगती है। वह पीटर के मन को बहलाकर मारिया पीटर को कोठरी में धकेल देती है। पीटर अंदर से चिल्लाता है पर मारिया आवाजों को दबाने के लिए पियानो बजाने लगती है जब तक वह सो नहीं गया। अगले दिन पीटर को होश आता है तो मारिया उसका बैग पैक करके उसे बस स्टॉप
पर ले जाती है। मारी उसे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करने को कहती है तो पीटर भी हाँ में उसका जवाब देता है। वह उसे कुछ पैसे देती है और फिर दोनों गले मिलते हैं। घर वापस आने के बीच इग्वार जाग जाता है जो पीटर और मारिया को गायब पाता है। वह एडा और खुद के लिए नाश्ता परोसता है। इसके बाद वह एडा के साथ टूटे हुए ट्रैक्टर को ठीक करने जाता है। इंजन चालू करने के लिए वह काफी प्रयास करता है लेकिन वह उसे ठीक नहीं कर पाता। जब मारिया घर पर आती है तो वह इग्वार को फोन करती है। वह फोन को नहीं उठाता। उसे अचानक दूर से एक गोली की आवाज सुनाई देती है। वह डर कर वहाँ जाती है। वह देखती है कि इग्वार की गर्दन पर गोली लगी है। वह गोली एडा के रियल फादर ने चलाई थी। दूसरी तरफ एडा अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने पिता के पास बैठी है। वो एंटिटी एडा का हाथ पकड़ती है पर इग्वार उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर एडा उसका हाथ छुड़ाकर अपने पिता के साथ चली जाती है। आखिर में मारिया इग्वार को ढूंढती है और रोने लगती है। वह उसे हिलाती है लेकिन इग्वार उसकी बाहों में ही मर जाता है। इसी एंडिंग से मूवी खत्म हो जाती है।